कश्मीर का मसला, और जिसको हम बचपन से और अब तक देख रहे हैं, और अब हमारे बच्चे उसके बारे में बात करते हैं। यूएनओ का इजलास हुआ, बड़ा तारीखी इजलास, जिसे आप हर इजलास को तारीखी कहा जाता है। उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए, चार दिन के दौरे पर, इतराजात भी हुए, और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर एक तकरीर की जिसमें कम्प्लीटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने अपना दिल्ली का विजिट का जो एक नेगेटिव तासुब, बकौल शख्स नेगेटिव तासुर आया था, वो जाहिर हो गया। उन्होंने वहाँ पाकिस्तान का वो मौका बयान किया जो प्री मुशर्रफ दौर से ताल्लुक रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूनो की करारदाद पर अमल चाहता है, कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों को हक हासिल है कि वो खुद मुख्तारी और खुद निसारी के फार्मूले पर अमल करें, रेफरेंडम होना चाहिए, इस्तिसबाब राय होना चाहिए वहाँ पर, और जनरल असम्बली की जिम्मेदारी है कि वो उस पर अमल कराए। और उन्होंने कहा कि भारत ने इस बारे में कश्मीरियों से मुलाकात के बाद अपने मुजाकरात मुलतवी कर दिए, तातुल में डाल दिए, तो उनको बहाल इसका अफसोस है। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर बहुत जगह सुनी गई है। इस तकरीर से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने चकूठी वगैरह के इलाकों का भी दौरा किया था, खंदकों में गए थे और मुलाकातें की थी अपने जवानों से। मोदी साहब ने इसके बाद तकरीर की और उन्होंने कहा कि वो अच्छे ताल्लुक चाहते हैं पाकिस्तान से, दहशतगर्दी के साए के बगैर ताल्लुक चाहते हैं। पाकिस्तान ने भी उनको बहुत अच्छे पैगाम दिए, लेकिन मुनासिब नहीं है, ये दो तरफा मामला है, से तरफा नहीं, और कश्मीरी इस मसले में फरीक नहीं है, ये उनका बयान है। मैं इसी बात करूंगा भी इनसे, एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब, डॉक्टर हुमा बकाई साहब। डॉक्टर हुमा बकाई अभी हिंदुस्तान से आई हैं, आगरा भी गई थी, ताजमहल भी देखा, मोहब्बत की वो मिसाल भी देखी जिसके बारे में बहुत चर्चे होते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहब बताइएगा क्या माहौल, मोदी साहब क्या कहते हैं, हिंदुस्तान का मूड क्या है, आपने क्या सोचा? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, हिंदुस्तान इस वक्त बड़ा यूफोरिक मूड है वहां पर ना, और मोदी साहब की जीत के लिए एक बड़ी ओनरशिप हमें अक्रॉस द बोर्ड नजर आती है। मेरे जितनी कांग्रेस के मिनिस्टर्स से की जो बातचीत मैंने सुनी वो बहुत सबड्यूड थे, और जो बीजेपी के मिनिस्टर्स थे वो वहां अब डिस्कशन ये है कि 8% ग्रोथ तो आएगी, इसको डबल डिजिट ग्रोथ कैसे कर दिया जाए। तो एक तो वहां पे थ्रस्ट ये है, लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया जहां आपको लगा कि शायद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा स्टेटस को की बात की, उन्होंने की और उनकी स्पीच को हुर्रियत लीडर्स ने भी अप्रिशिएट किया, यहां पाकिस्तान में भी कुछ हलकों ने अप्रिशिएट किया, और जाहिर है कि इंडिया ने उसको काउंटर किया। लेकिन उसके बाद जो सरताज अजीज साहब ने इंडियन मीडिया से बात की उस पर मुझे बड़ी हैरानी हुई, और उन्होंने इंडियन मीडिया से ये कहा कि ये जो हुर्रियत लीडर से हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन की मीटिंग हुई थी जिसकी वजह से सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जो थी वो मुलतवी हुई, वो इल टाइम्ड थी। मैंने इंडियन मीडिया में ये बात देखी और पढ़ी कि वो कहते थे कि ये इंडिया की गलती है कि उन्होंने सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जो हैं वो डिले की हैं इस मुद्दे को उठा के, क्योंकि पहले भी जो बीजेपी की हुकूमत थी उसने हुर्रियत लीडरशिप की और पाकिस्तान हाई कमीशन की टॉप लीडरशिप की मुलाकातें होती रही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो फोकस, ये जो इंडिया ने बात उठाई ये गलत थी, और फिर हमारे एडवाइजर जो हैं वो अमरीका में ही बैठ के जहां नवाज शरीफ साहब एक बात करें, तो ये जो हमारा डिसजॉइंटेड नैरेटिव है ना वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हमारी पॉलिसी का थ्रस्ट जो है वो क्या है। दूसरी मैं आपसे एक और गुजारिश करूं जो बात हमें शायद यहां बैठकर बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो या पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के रेडार पे कोई अहमियत नहीं रखते। अब वो पाकिस्तान को, मैं बहुत प्रो इम्प्रूव्ड रिलेशंस हूं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन उनका नैरेटिव इस वक्त ये है, और इंडिया में मैंने बिल्कुल ये बात सुनी, देखी, महसूस की कि हम पाकिस्तान से बहुत बियॉन्ड और आगे निकल चुके हैं, लेकिन जहां हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, मैं नुकसान का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, जी जहां हम नुकसान पहुंचा सकते हैं वहां हम नुकसान पहुंचाएंगे। जो वो हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, जो वो कंडीशनैलिटीज रखते हैं, जिस तरह वो स्क्वीज करते हैं पाकिस्तान को, और बहुत दुख के साथ मैं ये गुजारिश करूं, एयर मार्शल साहब बैठे हैं वो ज्यादा रोशनी डालेंगे कि हमारी तरफ से जो रिस्पांस है उसमें जो होमवर्क की कमी है, जो सूरत हाल के इदरा होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, काम करके वहां जाना चाहिए,
वो नहीं करते हम, शायद हम नहीं जाते और इसका हम नुकसान उठाएंगे। और ये मैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कहती, देखिए जी हम चाइना के साथ भी इस वक्त बहुत अग्रीमेंट्स कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, चाइना के साथ ताल्लुकात गेम चेंजर हो सकता है, बट वी शुड गो इन टू दीज ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स विद आर आईज ओपन। हर मुल्क अपने मफाद के लिए काम अपने मफाद के मुताबिक काम करें, मफाद का इदराक करना चाहिए, मफादात के तहत तिजारत करें। माशा साहब, हुमा ने बहुत खुल के बताया कि हिंदुस्तान में उन्होंने क्या देखा, आपका क्या इस पे तबसरा होगा, किस तरह चला जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान को मालूम है कि चलना किस तरह है? देखिए, मैं तो इस बात पे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर जो कन्फ्यूजन होता है वो अकासी करता है उस कन्फ्यूजन की जो उनके दिमागों में है, कि आया जो पॉलिसी वो एनन्सिएट कर रहे हैं जहां पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्या उस पर यकीन रखें या उस पर यकीन रखें जो कि दिल्ली की विजिट के ऊपर उनका जो शायद उनका मकतः नजर था, मतमय नजर था, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरी अपनी सोच यह है और मैं एग्री करता हूं डॉक्टर बकाई से कि भारत इस वक्त उस लेवल की एरोगेंस के ऊपर है कि अगर हम ट्रेड भी करें या ट्रेड की भी बात करें तो वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फेवर कर रहे हैं ट्रेड करके। याद ये रखने वाली बात है कि जब ट्रेड का जिक्र शुरू होता था तो वो उस वक्त शुरू होता था जब वो कहते थे कि पहले ट्रेड शुरू कर लेते हैं, ट्रेवल की बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें बाद में ऐसा ऐसा करते रहेंगे। ये इंडिया की अपनी डिजायर हुआ करती थी। अब जब पाकिस्तान उसके लिए तैयार हुआ तो वो इंडिया ने उसको एज एक फेवर बना के पाकिस्तान को देने के लिए, एज इफ के पाकिस्तान को फेवर दे रहा है, इस तरह से उसके ऊपर उसका अमल सोच है और अमल दखल है, इस किस्म के रवैया है। तो मेरा ख्याल है देखिए इस वक्त ट्रेजेक्ट्री दोनों मुल्कों की मुख्तलिफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री हो, पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री हो, स्टेबिलिटी हो, तो खुशकिस्मती के साथ एक न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम तो जरूर एग्जिस्ट करता है, उसको मैं न्यूक्लियर से ज्यादा स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम कहूंगा उस लेवल के ऊपर। तो उसके साए में मेरे ख्याल में लेट बोथ दीज नेशंस, पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, भारत के अपने मुख्तलिफ, एक नई गवर्नमेंट के बाद नए उनकी मकासद हैं, एक नया उनका जोश और बलबला है, तो उनके उस जोश और बलबले को एक रियलिज्म के साथ आने दीजिए और पाकिस्तान को अपने मसाइल को देख ले, मामले को हल कर लेने दीजिए अंदरूनी मसाइल को, और फिर उसके बाद देखें कि दोनों ममालिक किस जगह पे बैठते हैं, क्या इनको अभी भी एक दूसरे की जरूरत, जरूरत तो हमेशा रहेगी, जुड़े हुए हैं, 60 से 70% फौजें एक दूसरे के बॉर्डर के ऊपर हैं, ये रियलिटी तो तब्दील हो ही नहीं सकती। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है वो भी एक रियलिटी है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन मसला भी है, टेरिटोरियल मसला भी है। सवाल आपसे मैं कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान कल सिक्योरिटी पैक्ट पे साइन हो रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए? देखिए ये सिक्योरिटी पैक्ट जो है ना, मुझे चूंकि इसका अभी डिटेल फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं पता, बट व्हाट आई कैन इमेजिन इज कि ये किसी सेल और परचेज के मामलात के अंदर है। अमेरिका ने जब तल्लुकात बनाए थे इंडिया के साथ तो उनका वाहिद मकसद था कि अपने न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचे जाएं, जिसको कि उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्जेंस या समथिंग लाइक दैट इस किस्म का नाम दिया, और दूसरा उनका मकसद था कि इनको जितना हम असला बेच सकते हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया के पास पैसे हैं खरीदने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी और बाकी मामला भी, जो बाकी तो कोशिश थी कि 126 फाइटर्स जो फ्रांस से उन्होंने खरीदे वो अमेरिका से खरीद लेते, तो ये सेंस में ज्यादा नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बकाई साहबा। हम इस मरले पहुंचे कि हमारे बहुत से मसाइल दूसरे भी हैं, हम दीगर मसाइल से दो चार हैं, खतरनाक मसाइल हैं। मैं आपको बताऊंगा, सुबह खबर पख्तूनख्वा के दारुलहुकूमत में 17,000 से ज्यादा वालदैन ने पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाने से इनकार कर दिया है, और ये खतरनाक खबर है हमारे लिए। सियासत से हटकर, पाक भारत ताल्लुकात से हटकर